रहमान रहीम लास्ट लेक्चर में हमने ये लर्न किया कि जब सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी का एसेट मार्केट में सेल करता है तो उससे उसके इंटरनेशनल रिजर्व्स भी कम होते हैं और उसकी मॉनिटरी बेस भी कम होती है और अगर वो ये रिजर्व परचेज कर ले यानी कि मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर ले तो उससे उसके रिजर्व भी इंक्रीज होंगे और मॉनेटरी बेस भी इंक्रीज हो जाएगी अब सपोज सेंट्रल बैंक यह चाहता है कि वो ये ऑपरेशन भी कंडक्ट करे यानी कि फॉरेन करेंसी को सेल करना है तो फॉरेन करेंसी को सेल करे मार्केट में लेकिन वो ये चाहता है कि मॉनिट्री बेस पे उसका इफेक्ट ना आए हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा कि वन टू वन मॉनिटरी बेस पे इफेक्ट पड़ेगा अब हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक एक पार्ट तो करना चाहता है यानी कि इंटरवेंशन फॉरन एक्सचेंज मार्केट में करना चाहता है लेकिन वो ये चाहता है कि जो कॉरिस्पॉन्डिंगली मॉनिटरी बेस पे इफेक्ट पड़ता था वो ना पड़े तो उसकी ऑप्शन मौजूद है क्यों इसलिए कि मॉनिट्री बेस जो है वो सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी चेंज कर सकता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और बिल्स जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कहलाती हैं वो कमर्शियल बैंक से परचेज भी कर सकता है सेंट्रल बैंक और उनको बेच भी सकता है जो कि हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक में बड़ी डिटेल में पढ़ा था एग्जाम्पल वही रखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यह चाहता है कि वो फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन तो करे लेकिन वो मॉनिटरी बेस पे इफेक्ट ना आए तो क्या करेगा पैरेलल एक ओएमओ करेगा तो आप बात समझें कि अगर सेंट्रल बैंक ये चाहें कि मॉनिटरी बेस चेंज ना हो फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन की वजह से तो उसको दो काम करने पड़ेंगे दो ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़ेंगे एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन और एक पैरल ओ एमओ ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन दोनों की वजह से ये जो होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो पैरल हो गए ऑपरेशन इसको हम कहते हैं स्टेरलाइज इंटरवेंशन स्टेरलाइज अनस्टेरलाइज क्या होती है कि सिर्फ वो इंटरवेंशन करे साथ पैरल ओ एमओ ना करे और स्टेरलाइज क्या होती है कि मॉनिटरी बेस पे इफेक्ट ऑफसेट करने के लिए एक पैरल ओ भी कर ले तो अब एग्जाम्पल लेते हैं कि सेंट्रल बैंक ने वन बिलियन के जो है वो डोमेस्टिक एसेट्स परचेज किए यानी कि फॉरन एसेट्स जो है वो सेल किए लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि इससे मॉनिट्री बेस ना बढ़े तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करता है और वो भी वन बिलियन रुपीज के बराबर ही करता है तो नतीजा ये होगा कि मॉनिटरी बेस अनचेंज्ड होगी यानी कि हम इसको प्रॉपरली अकाउंट्स के थ्रू देखते हैं अब ये है स्टेरिलाइज इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक ने इनिशियली क्या किया फॉरन एसिट्स को सेल किया और कितने एसेट्स को सेल किया वन बिलियन रुपीज के बराबर उससे नतीजा यह हुआ कि वन बिलियन से उसके एसेट्स गिर गए लेकिन साथ ही साथ उसने एक और काम कर दिया अब उसके एसेट्स तो कम हो गए लेकिन वो जो वन बिलियन रुपया है उसने उसको यह किया कि कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर ली अब सेंट्रल बैंक का फॉरेन करेंसी भी एसेट होता है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी एसेट होता है तो नतीजा यह हुआ कि एक एसेट सेंट्रल बैंक का गिर गया फॉरन करेंसी वाला और एक एसेट बढ़ गया डोमेस्टिक करेंसी वाला तो दोनों चेंजेस एसेट साइड पे हुई एक तरफ से हम कह रहे हैं कि वन बिलियन के एसेट्स कम हो गए दूसरी तरफ हम कह रहे हैं वन बिलियन के एसेट्स बढ़ गए तो मॉनेटरी बेस पे क्या इफेक्ट हुआ जीरो मॉनेटरी बेस पे तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे तो नेट इफेक्ट क्या हुआ स्टेरलाइज इंटरवेंशन का स्टेरलाइज इंटरवेंशन लीव्स द मनी सप्लाई अनचेंज एंड दस हैज नो डायरेक्ट वे ऑफ इफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट तो इंटरेस्ट मनी मॉनेटरी बेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता स्टेरलाइज इंटरवेंशन का तो फिर इंटरेस्ट रेट पे नहीं पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट पे नहीं पड़ेगा तो फिर एसेट्स की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा और अल्टीमेटली हम कहेंगे कि एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो स्टेलाइज इंटरवेंशन का एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट नहीं होता अनस्टेरलाइज्ड का होता है थैंक यू